थाना कमलानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद में चोरी लूट छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की कई मोटरसाइकिल सहित मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना कमलानगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जनपद में चोरी लूट छिनैती जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की कई मोटरसाइकिल सहित मोबाइल फोन व तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। थाना कमलानगर पुलिस द्वारा एक चैन स्नेचर, पर्स स्नेचर और ये जो मोबाइल स्नेच करने वाला है, इस पूरे गैंग के 6 मेंबर्स को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल मिले हैं जो स्नेच किए हुए हैं, 4 मोटरसाइकिल मिली है जिसे स्नेचिंग घटना करते थे और 8,000 रुपए नकदी मिली है जो कुछ मोबाइल स्नेच किए हुए मोबाइल बेचने के बाद इनके पास खर्च होने से रह गए थे। इसमें से जो घटनाएं 8 घटनाएं हमारे जनपद की बरामद की वर्कआउट हुई है जो लिखी हुई थी, जिसमें 3 कमलानगर की है, 2 एहमादौला की है, 1 सदर बाजार की है और 2 हरिपर्व की। 8 घटनाएं वर्कआउट हुई है। इसके अलावा इन्होंने काफी स्नेचिंग की है और उन्हें बेच भी दिया था जिसके पैसे बरामद हुए हैं। इसमें कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो जिन लोगों के मोबाइल स्नेचिंग हुए और उन्होंने लिखाए नहीं है, अभी ये कनेक्ट करेंगे तब उसके उपरांत कुछ और घटनाएं इसमें वर्कआउट होंगी। चेकिंग के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वह और उनके अन्य सभी मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए अभियुक्त अशोक बघेल, इरशाद खान, वकील खान, सलमान, मोहित और साहिल खान एतमादौला क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूटे गए चोरी के 10 मोबाइल फोन, 4 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा व जिंदा कारतूस सहित 8,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए सभी छात्रों को जेल भेजा जा रहा है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।